मशहूर गायिका नृत्यांगना रक्कासा गौहर जान। बला की खूबसूरती, दिलकश अदाएं और सुरीली शीरी आवाज सभी की मालकिन थी। वो लगभग 20 भाषाओं में गा लेती थी। रिकॉर्ड कंपनीज उनकी आवाज की दीवानी थी। जहां एक तरफ उनकी हर अदा पर पैसे लुटाने वाले अमीरजादों की कमी न थी, वहीं दूसरी ओर उनकी शानो शौकत और शाहाना खर्च के किस्से भी बड़े आम थे। एक बार तत्कालीन इंग्लिश गवर्नर का काफिला और गौहर जान की शानदार विक्टोरिया बग्घी एक ही वक्त एक ही रास्ते से गुजर रहे थे। इंग्लिश गवर्नर ने महिला की शानो शौकत को देखा तो अपना काफिला रोक दिया, अदब से हैट उतारकर गौहर जान को बाव किया और गौहर जान की बग्घी को पहले जाने दिया। लेकिन जब बाद में ब्रिटिश गवर्नर को हकीकत पता चली कि उसने तवायफों की बिरादरी की एक औरत को बाव किया था, तो उसे अपने आप पर बहुत कोफ्त हुई। उसी शाम उसने एक फरमान जारी कर उस रास्ते से गौहर जान के गुजरने पर पाबंदी लगा दी। हुक्मदूली की सजा 1,000 रुपए रखी गई। मगर गौहर जान का अपना रुतबा था और रईसी सनक भी, इसलिए गवर्नर के फरमान को गौहर जान ने नजरअंदाज कर दिया और गौहर जान की बग्घी बिना नागा उसी रास्ते से गुजरती रही और हर रोज गौहर जान 1,000 रुपया जुर्माना भरती रही। ये सिलसिला 20 दिनों तक चला और ताज्जुब के अंत में गवर्नर ने अपना फरमान वापस ले लिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।